रेलवे पुलिस कांस्टेबल मोहम्मद असलम महकमा के लिए बाइस फखर, ट्रेन से मिलने वाली 4 लाख रुपए की बड़ी रकम मालिक को लुटा दी। एसपी रेलवे पुलिस मलक मोहम्मद अतीक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांस्टेबल को रकम मिलने, मुसाफिर की तलाश और रकम की वापसी की तफसीलात से आगाह किया। हमारे जो कांस्टेबल हैं गश्त पे मोहम्मद असलम साहब, वो गश्त करते हुए आ रहे थे तो उनको ये पैसे मिल गए। बाद में तलाश किया तो आमिर साहब मिल गए, उन्होंने निशानियाँ बताई हैं और इस तरीके से जो रेलवे पुलिस के कांस्टेबल हैं असलम साहब, जिनकी ड्यूटी थी, उन्होंने इंतहाई ईमानदारी फर्शनासी का मुजाहरा करते हुए ये रकम जो है इनके जो वारिस हैं, मालिक हैं, आमिर साहब जो मुसाफिर थे, उनके हवाले की है। मुसाफिर मोहम्मद आमिर का कहना था कि वो कारोबार के सिलसिले में लाहौर आ रहा था कि रकम ट्रेन में गिर गई, जो उसे वापस कर दी गई। जबकि कांस्टेबल मोहम्मद असलम ने बताया कि ट्रेन से रकम मिलने के बाद मुसाफिर को तलाश किया और रेलवे पुलिस के आला हुकाम को इत्तला दी। 9 नंबर कोच में पहुँचा हूँ तो मुझे 4 लाख रुपए की अमाउंट उधर से मिली है, तो मैंने फिर वो नोट जो रकम थी वो मैंने अपने पास रख लिया। अपने अफसरान बाला को ना मैंने बताया, फोन किया कि मुझे ये अमाउंट मिली है, तो ये पैसेंजर जो है ये कह रहे हैं कि ये हमारी रकम जो हमारी है। मैं पिंडी से लाहौर की तरफ आ रहा था तो मैं मशरूम की तरफ जा रहा था, तो मेरे 4 लाख रुपए कुछ गुम हो गए, ठीक है। तो फिर ये पुलिस के जो जवान है, इन्होंने मुझे 4 लाख रुपए बताए। एसपी रेलवे पुलिस ने आईजी ऑफिस में रकम मुसाफिर के हवाले की, कांस्टेबल को तारीफी सर्टिफिकेट और नकद इनाम से नवाजा। कैमरामैन शान बशीर के साथ राणा फहद, लाहौर न्यूज।